अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हो। वेलकम टू द अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल। सो दोस्तों, हम कैनवा सीखते हुए चले जा रहे हैं। ना सिर्फ हमने इस दौरान कैनवा ही सीखा है, बल्कि वो डिसिप्लिन भी अपने अंदर लेके आए हैं जिसके जरिए से हम सीखें कैसे। यानी पहले हमने सीखना सीखा और फिर हमने सीखना शुरू किया और हम सीखते हुए चले जा रहे हैं बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर। तो आज भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है वो सीखने हुए चले जा। आज हम बात करेंगे टेम्पलेट्स की। ठीक है, कैनवा के बारे में जब भी बात होगी तो इसमें ये कहा जाता है कि ये एक टेम्पलेट बेस्ड ऐप है और बहुत से लोग कहा जाता है कि इसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, ये तो टेम्पलेट बेस्ड है। तो जब से अब AI आया है तो अब सारा कुछ ये अब टेम्पलेट बेस्ड ही हो गया। ठीक है, बड़ी बड़ी स्किल भी अब इसी तरह से प्रॉम्प्ट की मोहताज रह गई है। ठीक है, सो आप लोगों ने तो कैनवा सीखा है तो ये तो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि तो इसमें भी टेम्पलेट होते हैं। जिस तरह से हम प्रॉम्प्टिंग करके वो चलाते थे, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें आ गई हैं, उनको भी हम साथ साथ सीखेंगे। सो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मीन्स सांचा। ठीक है, एक बना हुआ एक ऐसा सांचा जिसका साइज भी एक सेलेक्ट हुआ हुआ हो, जिसके अंदर चीजें भी लगी हुई हो, टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, शेप्स भी बने हुए हो और वो एडिटेबल हो। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे भी आप चेंज कर सकें, जो शेप लगी हुई है उसे भी आप चेंज कर सकें, जो कलर लगा हुआ है उसे भी आप चेंज कर सकें, जो फोटो लगा हुआ है उसे भी आप चेंज कर सकें। उससे टेम्पलेट कहते हैं, उसे सांचा कहते हैं। जैसे भट्टों पे वो ईंटों के सांचे नहीं होते, तो उसके अंदर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और ईंट के अंदर जो है वो ईंट जब बनाई जाती है भट्टों के लिए, तो एक सांचा बना हुआ होता है उसके अंदर, जैसे मिट्टी लगा के उसके ऊपर वो सेटिंग्स उसकी थोड़ी सी करते हैं, तो उसमें जो है पूरी शेप बन जाती है। और इसी तरह बचपन में आप लोगों को याद होगा कि वो हाथ पे शेप बनाने वाले छापे वाले आते थे, तो वो रंग के अंदर जिस स्टाइल का जिस डिजाइन का वो ठप्पा कलर के अंदर लगा के हथेली के ऊपर लगाते थे, तो सेम वही डिजाइन जो होता था वो बन के हाथ पे लग जाता था, फूल बन जाता था। आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, अच्छे से, बहुत ज्यादा पुरानी बात है। नहीं तो वो भी सांचा ही होता था। ठीक है, सो आपको इल्म है कि कैनवा के अंदर एक टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, जब हम कोई भी साइज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके भी टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक ये सामने भी टेम्पलेट लिखा हुआ है, टीच लर्न एंड डिजाइन विद कैनवा। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी किस्म का भी आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करें, आपको बने बनाए यहाँ पे डिजाइन मिल जाएंगे, आप उनको एडिट करें और इस्तेमाल में ले आए। अब बेसिकली तो मैंने आप लोगों को जो है ना वो सारी चीजें सिखाई हैं। आप चाहें तो अपना कस्टम डिजाइन बना सकते हैं। मैंने आपको टाइपोग्राफी अच्छे से पढ़ाई है, मैंने आपको कलर थ्योरी पढ़ाई है, कलर स्कीम पढ़ाई है। ठीक है, ताकि आप कहीं मार ना खाएं जब आप खुद ही कस्टम डिजाइन बनाने के लिए निकले। लेकिन एज अ बिगनर मैं जो है ना वो आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने कस्टम डिजाइन की तरफ नहीं जाना। कस्टम डिजाइन मींस ये जनाब, हमने एक कैनवस ले लिया। ठीक है, ये एक ब्लैंक, इसके ऊपर अपना डिजाइन बनाना शुरू कर दें, खुद से लगाएं, ये वाला एलिमेंट लगाएं, ये वाला एलिमेंट।
मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह से करें। वैसे तो आपको मैंने एक एक चीज सिखाई है, लेकिन एज अ बिगनर, एज अ न्यू इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, आप लोगों ने टेम्पलेट यूज करना, यानी कि पक्की पकाई खानी है, आपने पका के नहीं खानी, क्योंकि इसका फायदा यही है, जब आपको एक प्रोफेशनल लेवल का एक डिजाइन बना हुआ मिल रहा है, आप उसके अंदर 10 मिनट चेंजिंग करके उसको अपना डिजाइन बना सकते हैं और क्लाइंट को दे सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ, क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है इन दिस स्टार्ट, ठीक है। उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आप इन दिस स्टार्ट क्रिएटिव नहीं हो सकते। क्रिएटिव कैसे हुआ जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज आपने जो है ना वो समझनी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बिजनेस टेम्पलेट लिखा है, ठीक है, ये एक टेम्पलेट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे सजेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, ये ले लेता हूँ जी, ठीक है, और इसको मैं कस्टमाइज कर लेता हूँ, अब इसको कस्टमाइज करने से आप इसकी एक एक चीज जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैमेट कंपनी की जगह आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पे हटा के इसी जगह पे सेम लोगो लगा, टैक्स एंड कंसल्टिंग सर्विसेज की जगह पे आप जो भी सर्विसेज देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और नीचे इनको एडिट करके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस की जगह पे नंबर लिख सकते हैं, और ये फोटोज यहाँ पे बदल सकते हैं, और इनकी कलरिंग थोड़ा बहुत आपने, बल्कि कलरिंग भी मैं तो सजेस्ट करूंगा चेंज ही नहीं करना चाहिए, क्यों, ताकि जब आपको एक डिजाइन बना हुआ मिल रहा है आप उसको इस्तेमाल में लेके, ठीक है, बजाय कि यहाँ पे आए और इसके पीछे जी पहले कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो उसके लिए फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर ये सारे डिजाइन की जो साइंस होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, आप जस्ट इसको एडिट कीजिए और उसको इस्तेमाल में ले आए, ठीक है, क्योंकि नया बंदा जो होता है वो क्रिएटिव नहीं होता, एक अल्लाह ताला ने जिसको कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुदरती तौर पे ये सलाहियत रखते हैं कि वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कुदरतन, लेकिन हर बंदे के अंदर ये सलाहियत तो मौजूद नहीं होती, क्योंकि हम बिगनर हैं, अगर हम यहाँ पे डिजाइन बनाने आएंगे तो हमारे हमसे बहुत गलतियां होंगी, और क्लाइंट के लिए दे भी देंगे तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि हम क्रिएटिव नहीं है। एक आपको वाक्या सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनना, कहते हैं कि चाइनीज का और यूनानियों का जो है ना वो एक मुकाबला था, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं कि वो ग्रीक्स और चाइनीज थे या यूनानी थे, ये कौन थे मुझे माफ फरमाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ले लेना, तो उनका जो है ना वो एक मुकाबला था जिसमें उन्हें शाहकार बनाना था, तखलीक करना था, कोई डिजाइन बनाना था, तो वो दोनों फाइनल में थे, एक जगह पे जो है वो मुकाबला जो है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि ग्रीक्स जो हैं उनको नक्श निगारी में और इन चीजों के अंदर बहुत महारत हासिल है, ठीक है, मेरे ख्याल से, और जो चाइनीज वाले थे या वो जो दूसरी वो उसके अंदर इतनी महारत नहीं रखते थे, उन्हें भी इल्म था, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुकाबला था तो बीच में पर्दा लगा दिया गया और एक दीवार पे वो डिजाइन बनाना शुरू हो गया यूनानीज, और एक साइड पे जो है ना चाइनीज वालों ने काम शुरू कर दिया, वो अपना डिजाइन बना रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, और बीच के अंदर पर्दा लगा दिया, तो जैसे वो शाहकार तखलीक हुआ, जैसे वो शाहकार जो है वो तखलीक हुआ,
जब दरमियान के अंदर से पर्दा हटाया तो देखने वाले और फैसला करने वाले हैरान रह गए कि जो डिजाइन, जो शाहकार, जो तख्लीक यूनानियों ने की थी, हूबहू वही तख्लीक सामने वाली दीवार के ऊपर उनके जो मद्दे मुकाबिल थे उन्होंने की हुई थी। दुनिया देख के हैरान रह गई कि इतना कैसे हो सकता है कि एक जेर जबर का भी फर्क नहीं। तो जब गौर किया गया तो देखा कि जो यूनानी से हटके उनके मुकाबले में थे, जो चाइनीज वाले थे, उन्होंने सामने आईना बना दिया था। उन्होंने सामने आईना बना दिया था कि उनका डिजाइन भी हूबहू उन जैसा हो गया था। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इल्म था कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ये शाहकार बनाने में दुनिया में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम शाहकार बना के इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे, लेकिन ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि हम इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इन इनके जैसा काम करने के लिए उनकी ये क्रिएटिविटी जो है वो इस तरह से साबित हुई कि हमें पता था इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इनकी नकल तो लगा सकते हैं। उन्होंने नकल लगाने के लिए उनको जो है ना फॉलो किया। ठीक है, सो आप लोग भी इस चीज को इन दी स्टार्ट ये तस्लीम कर लें कि हम शुरू शुरू में इतने क्रिएटिव नहीं हो सकते कि हम अपना ही डिजाइन करना शुरू कर दें। आप पता क्रिएटिव कब होंगे? जब आपके हाथ के नीचे से 50 डिजाइन गुजर जाएंगे। ठीक है, आप 50 टेम्पलेट को क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद 5 डिजाइन आप अपने बना दो। जब चीजें आपके सामने से हो रही होंगी तो आप जो है वो प्रैक्टिकल कर करके, प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये शेप ऐसे यूज करनी है। मैंने उसमें देखा था, यहाँ पे हुई हुई थी। जब आप 50 टेम्पलेट को छेड़खानी करेंगे, उनको उधेड़ के रख देंगे, तो उसके बाद आप अपना डिजाइन तख्लीक कर सकते। ठीक है, तो आप इन दी स्टार्ट आपने खुद से क्रिएटिव होने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप डिजाइन बनाना शुरू हो जाएंगे, जब आप उनको टेम्पलेट को एडिट करके डिजाइनिंग करना शुरू कर देंगे तो आप खुद ब खुद क्रिएटिव होते हुए चले जाएंगे, तख्लीकी होते हुए चले जाएंगे। हाँ, अगर आपने कोई इस तरह से प्रैक्टिस करनी भी है उससे, तो पहले एक डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जैसे वो सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट बनाना सीखी थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, वो उस तरह से आप पहले यहाँ पे एक रख लें डिजाइन बना के, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करते हुए चले जाए कि ये इस तरह से बना हुआ, ये यानी इस जैसा हमें बनाना है, तो ये उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो छोटी मोटी सी तब्दीलियां कर लें। ठीक है, छोटी मोटी सी उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां करके उसको इस्तेमाल में ले आए और फिर बनाना शुरू। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे, आप बेहतर से बेहतर होते हुए चले जाएंगे, और यही एक बेस्ट मेथड है। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कस्टम डिजाइनिंग की तरफ नहीं जाएंगे। उसमें टाइम लगता है, उसमें खपता है इंसान, उसमें बहुत ज्यादा इंसान जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा खप जाता है। अब वो दौर नहीं है, कैनवा ने आसानियां कर दी। अब टेम्पलेट बेस्ड, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर ऐसे करते हैं। मैं बहुत से ऐसे डिजाइनर्स को जानता हूं जो हम काम करते हैं,
वो टेम्पलेट बेस्ड काम करते। अभी आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, इलस्ट्रेटर के लिए भी टेम्पलेट है, फोटोशॉप के भी टेम्पलेट है, वो भी टेम्पलेट के ऊपर ही काम करते हैं। कोई बंदा कुछ आजो नाजर ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा हो, तो वो जो है ना वो पूरी किसी बड़ी कंपनी के लिए जिससे वो हजारों डॉलर चार्ज कर रहा हो, तो वो जो है ना उसके लिए क्रिएटिविटी कर दे, ठीक है, वरना लोग टेम्पलेट के ऊपर ही काम करें। तो आप भी टेम्पलेट को इस्तेमाल करें, ठीक है, अडोब फोटोशॉप उसे कहते हैं, अबॉट नहीं अडोब, ठीक है। तो आपने भी, आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले ये जितनी भी आप नेक्स्ट पोस्टें बनाएं, पहले 100 डिजाइन आपने सिर्फ टेम्पलेट को ही एडिट कर, एक टेम्पलेट उठाएं, उसको सलीके से तरीके से जहां जहां जो जो चीज लगी हुई है वो वहीं रहे, ठीक है, फोटो चेंज कर दें, और उसका टेक्स्ट जितना भी है वो आपको चेंज करना पड़ेगा वो चेंज कर दें, लोगो जहां जहां पे लगे हुए हैं वो चेंज कर दें, इवन दैट के कलर्स भी चेंज ना करें, क्योंकि वो जो ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है वो आपके काम आ जाएगा। जब आप उसकी कलर चेंज कर देंगे तो कलर साइंस खराब हो जाएगी, सारी चीजें जो है वो खराब हो जाएगी। तो इस चीज को आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है आपने टेम्पलेट बेस्ड करना। जब आप 100 टेम्पलेट एडिट कर लेंगे, 50 टेम्पलेट एडिट कर लेंगे, तो उसके बाद आप इस अहल हो जाएंगे कि आप जो है वो अपना डिजाइन क्रिएट कर सके, आप क्रिएटिव हो जाएंगे, तख्लीकी हो जाएंगे, कोई डिजाइन आपको प्यारा लगे वो अपने पास सेव कर लें, ठीक है, और उसको कॉपी करें, हूबहू बनाने की कोशिश करें, कलर स्कीम वही बनाने की, जो है ना फॉन्ट वही ढूंढें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से, क्योंकि हम क्रिएटिव नहीं होते, हमारे माइंड के अंदर चीजें तखलीक खुद से नहीं हो पा रही है अभी, हम क्योंकि बिगनर है ना। तो आप लोगों ने सिंपली यही काम कर, अपने खुद को ये नहीं कंसीडर कर लेना कि आई एम डिजाइनर, मैं 2 महीने बाद बहुत बड़ा डिजाइनर, नहीं, आप देखें आप कहीं जा रहे हैं बाजार में जा रहे हैं तो चीजों के ऊपर नजर थोड़ा, अपने हाथ में बॉटल पकड़ी हुई है, लाइक जैसे इन्हें सामने कोक की बॉटल रखी हुई, तो देख रहे हैं इसने कोका कोला कैसे लिखा हुआ है, अच्छा इसने इसको कैसे डिजाइन किया हुआ है, ये सामने मेरे टिश्यू का डब्बा पड़ा है, मैं देखूँ इसने ये कैसे लिखा हुआ है। आपके सामने कोई, आप कहीं गए हैं, आप बाहर निकले हैं, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर गौर करें कि इसने कैसे लगाया है, ये जो है ना यूनिवर्सिटी का जो है ना साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसमें कैसे कलर यूज किए हुए, तो आपको अंदाजा होगा यार ये जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो कलर यूज हो रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर ज्यादा यूज हो रहा है, इसमें ब्लू ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप जब किसी एजुकेशन के लिए बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इस टाइप की स्कीम होती है, इस टाइप के टेक्स्ट यूज होते हैं, उसकी तरतीब कुछ इस टाइप की होती है। जब आप मार्केट जाएं, फैशन मॉल के अंदर जाएं, या फैशन वालों के जब आपके सामने एड आए फेसबुक के ऊपर, तो उसे गौर से देखा करें यार कैसे कलर यूज किए हुए, इसने कैसा बनाया हो, तो उसको अपने पास सेव रख लें, ठीक है, उसको अपने पास सेव रख लें। और एक और मैं आपको बताऊं, नए बंदे हैं ना, नकल मारा करो, आप नकली बने, जैसे वो यूनानियों वाली मैंने मिसाल दी थी ना, जैसे मैंने वो यूनानियों वाली आप लोगों को मसाल दी थी, जैसे चाइनीज ने उनकी नकल मारी थी, समझदार बंदा वो है जो अकल वालों की नकल मार ले, खुद से बंदा अकल वाला बनने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो आप अगर आपने कोई डिजाइन बनाना भी है तो चुप करके गूगल पे जाएं, एजुकेशन पोस्टें सर्च कर लें, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन या मार्केटिंग या कोई ऐसा भी, अगर आपको टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो उसमें से दी बेस्ट ढूंढे, राइट, उसमें से दी बेस्ट ढूंढ के उसको उसके अकॉर्डिंग बना ले, इसने ये चीज यहाँ पे यूज की, इसने ये यहाँ पे ऐसे शेप यूज की, इसने ये यहाँ पे ऐसे शेप यूज की। आपने खुद से क्रिएटिव नहीं होना, अभी आपको टाइम लगेगा, ये चीज आने में बड़े बड़ों को टाइम लगता है। जब आपके माइंड में 100 चीजें आ गई तो आप खुद से उन चीजों को करना शुरू कर देंगे, ये आपके लिए कोई मुश्किल
काम नहीं होगा। सो डिजाइन, अच्छे अच्छे डिजाइन आ जाए फेसबुक पे, उसको सेव करके अपने पास रखें, ठीक है? वो आपने अपने पास जो है ना वो सेव कर लेना। जब आप उसको कॉपी करने की कोशिश करें, उसको बनाने की कोशिश करें, तो सेम करने की कोशिश करें। अभी जो है आप उस स्टेज पे आ गए हैं कि आपको रोजाना की बुनियाद पे कम से कम एक डिजाइन जरूर बनाया करें। आप लोगों के असाइनमेंट है, एक डिजाइन जरूर बनाना आप किसी भी कैटेगरी को पकड़ लें। उस डिजाइन के ऊपर, मिसाल के तौर पे किसी का दिल करता है कि मुझे फूड में इंटरेस्ट है, तो वो फूड को पकड़ ले। किसी का, बंदे का दिल करता है कि मैंने मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट हो, वो मार्केटिंग को पकड़ ले। किसी का इंटरेस्ट, एक एक आपने इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली, ताकि आप बहुत ज्यादा स्कैटर ना हो जाएं, बहुत ज्यादा मतलब पेचीदगी ना आ जाए आप लोगों के अंदर। एक इंडस्ट्री को पकड़े और उसी के ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि आपको उसकी नीश पता चल सके। यार इसमें जो है ना, मैं फूड में बना रहा हूँ, तो फूड में ये कलर ज्यादा इस्तेमाल हो। जब आप अगले 15 दिन रोजाना एक फूड की, किसी दिन मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू को एडिट कर दें, किसी दिन आप जो है ना लोगों को एडिट कर दें, किसी दिन आप कोई डील को एडिट कर दें, तो आपको पता चलेगा यार ये कलर रिपीट हो रहे हैं, ये फॉन्ट रिपीट हो रहे हैं। तो जब मैं नेक्स्ट फूड के लिए काम करूंगा, तो आपको एक एक वे बन जाएगा, एक रोड मैप आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो आप इस तरह से काम करना शुरू कीजिए। अब जो है नवाल, कोई बात नहीं, आप पेपर्स के बाद कर लीजिएगा, ठीक है? मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो आपने इन चीजों का करना है ख्याल, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो लोग भूल जाते हैं और क्रिएटिविटी के चक्करों में पड़ जाते हैं और उनसे कुछ भी नहीं हो पाता, राइट? आमिर भाई, मर्ज को अभी छोड़ें आप। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उन चीजों के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था कि आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहां पे डिजाइन में वो जो मर्ज हुई होती है फोटोज, वो कैसे बनाते हो, ठीक है? उस चीज को आप देखिए, आप एडवांस चीजों के ऊपर इस तरह से फोकस कर सकते हैं। तो ये कुछ उसूल थे, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है? क्योंकि आगे AI आ रहा है, तो वो आप उसको बताएंगे कि मुझे ऐसा फोटो चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, ऐसे कलर होने चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन आपको ये चीजें फिर भी काम आएंगी, जो चीजें मैं आप लोगों को बता, आप तब ही AI को इस्तेमाल कर सकेंगे, आपको डिजाइन की नो हाउ पता होगी। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो तब तक आप इस तरह से इनको जो है ना वो वर्क करें, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी वर्कशॉप स्टार्ट करवा रहा हूँ, फिर आप लोगों को वो सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? मैं उसका थोड़ा सा रोड मैप बना, तो आप लोगों को मैं सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह वो सारी चीजें इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है? अब ये आप पे है, आप कोई भी एक नीच पकड़िए, कल एक टेम्पलेट मुझे एडिट करके दिखा दीजिए। कोई फूड का आप पकड़ लें आप सारे ही, ठीक है? उसमें कोई पिज्जा की डील पकड़ लें, ठीक है? कोई सेल पकड़ लें, ठीक है? कोई एक टेम्पलेट लें और उसके अंदर नेम, वो बाकी टेक्स्ट सारा चेंज कर देना। कलर के ऊपर कोई काम नहीं करना, जो कलर्स वहां पे लगे हुए हैं वो लगे। आपने क्या करना है, उसका सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, उसके अंदर नंबर्स चेंज करने हैं, और इस तरह से एडिट करके आपने मुझे भेजना है, ठीक है? हाँ, नकल और चीटिंग कर रहे हैं आप, ठीक है? हम नकल भी मार ले तो बड़ी बात, अच्छे बंदे की नकल भी लगा ले तो बड़ी बात है। यहाँ पे टेम्पलेट में आए, तो देखिए ना, आपने इस तरह से अगर 3500 रुपये बना लिए तो बेहतरीन है, ठीक है? आपने इस तरह करना है कि टेम्पलेट में आके उसके अंदर वो चीजें चेंज करें। मैं आप लोगों को ये देखना चाहता हूँ कि टेम्पलेट में भी आपने चीजें ऊपर नीचे नहीं करनी है, उसको छेड़ना नहीं है। मैं देखूँ कहीं शेप तो आपने ऊपर नीचे तो नहीं करनी, ताकि मैं देख सकूँ अलाइन हो आपका डिजाइन। सबसे पहली चीज ये है छोटी छोटी सी, कि अलाइन हो आपका
कोई आड़ी टेढ़ी राइटिंग ना हो इधर उधर, ठीक है। सो इस तरह से इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल करना, ठीक है। सो आप बेहतर से बेहतर होते हुए चले जाएंगे। तो असाइनमेंट आप लोगों की यही है कल के लिए कि एक फूड का डिजाइन पकड़े, कोई डील पकड़ लें, कोई सेल पकड़ लें, उसको एडिट करें अपनी मर्जी से और वो जो है अपने भेज दें, ठीक है। जो फीमेल में है वो ऐसा कर लें कि वो कोई फैशन का बना दें, ठीक है, वो कोई जूते की सेल पकड़ लें या कपड़े की सेल को पकड़ लें या इस तरह की किसी लग्जरी उसके ऊपर कर लें। और जो हमारे मेल भाई हैं वो जो है वो आइकॉन का साइज मैंने बताया था कि आप उसको पकड़ के उसको जो है ना सेट करें, ठीक है, वो आसानी हो जाता है। तो आप जो जो हमारे मेल वाले भाई हैं, ठीक है, वो अपना बनाएंगे इसके ऊपर क्या कहते हैं फूड कैटेगरी को टारगेट करके बनाएंगे। हर बंदा बनाए, जो बंदा रह गया मैं पर्सनली भी पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का टाइम है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे से अच्छा होते हुए चले जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे हम इससे फ्री होंगे फिर मैं आप लोगों को मार्केटिंग की तरफ डाइवर्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को मैंने कैनवा सिखा के मार्केटिंग की तरफ डाइवर्ट किया था, अच्छे पैसे बनाने लगे, बहुत अच्छे। तो वो इसका लाजमी जुज्व है। आप माइंड को प्रिपेयर रखिएगा नई चीजें सीखने के लिए, ठीक है, ताकि आपको मार्केटिंग आ जाए, और जब मार्केटिंग आ गई तो फिर आप कुछ भी बेच देंगे। फिर इस चीज से कोई मैटर नहीं करता कि आप डिजाइन बेचते हैं या बॉटल बेचते हैं या पानी का गिलास बेचते हैं, ठीक है, कोई लैपटॉप जरूरी नहीं है, सब कुछ मोबाइल फोन से ही है, ठीक है। तो इस कोर्स को जैसे हम बाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन मैंने पैदा किया है, ठीक है। मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों को मैं आगे से आगे लेके चलता चला जाऊं, कि जैसे ही आप मार्केटिंग सीखेंगे आपकी जान में जान आ जाएगी। आप अपने ऐड रन करेंगे, आप अपने लिए ऐड रन कर देंगे कि मैं आपके लिए इतने पैसे में आपको जो है ना ये वाला कार्ड बना दूंगी, या मैं आपके बिजनेस कार्ड बना दूंगी, या मैं आपके बिजनेस का लोगो बना दूंगी, या मैं आपके पेज के ऊपर लाइक्स ला दूंगी, ठीक है। बात समझ आई क्या? नहीं तो इसके लिए अभी से आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। वो हमारा पार्ट बी है, वो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं मैं उनको निकाल के उस तरफ ले जाता होता हूँ, ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकें। सो अपने माइंड को प्रिपेयर रखिएगा, जैसे हमारा ये कैनवा फाइबर खत्म होगा तो मैं फौरन से आप लोगों को डाइवर्ट कर दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। वो भी हमारा एक शॉर्ट कोर्स होगा, लेकिन बहुत मजा आता है उसके अंदर, ठीक है। वो जब आप सीखते हैं तो आपको हकीकत में पता चलता है कि आपने जो डिजाइनिंग स्किल सीखी थी उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इससे पैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो जाहिर भाई फ्री बिल्कुल नहीं होता, वो 2 महीने का ही कोर्स होता है, ठीक है। तो हम वो जो भी होगा वो सारी चीजें उसके अंदर करेंगे। फाइवर मिसिंग नहीं है ब्रदर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा ये जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जिसमें फाइबर भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जब हम इन चीजों से गुजर जाएंगे आगे तब हम आगे चलेंगे। समझ आ रही है? ठीक है, सो जंप नहीं लगाएंगे, फाइबर पहले सीखेंगे, ठीक है। फाइबर सीख के जैसे हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम जो है वो आगे मूव कर जाएंगे। सो ताकि आप लोग मेरा देखें, मैं आपको बेहतर से बेहतर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको मैं साथ साथ एनालिसिस उनका करता रहता हूँ कि ये बंदा किस में चलने वाला है। जो मेरे पास स्टूडेंट आए थे वो बहुत से लोग ऐसे थे कि जिसके अंदर मैंने ढूंढा कि यार ये तो अच्छे टीचर हैं, तो आज वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जिसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छा डिजाइनर है, उनको मैंने इलस्ट्रेटर की तरफ भेज दिया, उनको एडवांस फोटोशॉप सिखा दिया, चलो सीखो, तो वो उस तरफ चले गए। जो लोग मैंने देखा था कि बिजनेस माइंड वाले हैं, ठीक है,
उन लोगों को मैंने दराज की तरफ डाइवर्ट कर दिया, उनको दराज सिखवाया, उनके स्टोर्स हैं वो अपने बिजनेस चला रहे, जो बिजनेस पर्पस माइंड थे, ठीक है, उनको मैंने, अब मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू कर दिए थे, कोई फ्रोजन ड्राई फूड बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है ऑनलाइन, किसी ने कपड़ा ऑनलाइन मार्केट करना शुरू कर दिया। सो इसलिए ये एक स्टेप है, ठीक है। सो इस स्टेप के, जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता रहूं, तो आप लोगों ने बस उस तरह चुप करके मूव ऑन, मतलब कि डाइवर्ट होते हुए चले जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि ये क्या बना हमारे, आप लोगों के अंदर एटीट्यूड आते आते टाइम लगता है, ठीक है। सो हम ये चीज स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, चुप करके जिस तरह से मैं आप लोगों को चलाता हुआ चला जा रहा हूं, बस साथ साथ चलते हुए चले, एटीट्यूड डेवलप होता हुआ आप लोगों के अंदर चला जाए। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनको भी सिखाई थी सबने पैसे बनाने शुरू, कोई बंदा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है कि मुझे जो है ना मेरे पेज के, मुझे मेरा पेज ग्रो कर दे, मुझे फेसबुक लाइक्स चाहिए, किसी को एड रन करवाना है, किसी को अपने इंस्टा के ऊपर फॉलोअर्स लाने हैं, किसी को अपने ढेर सारे जो है ना पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, किसी को कोर्स के लिए, किसी को जूतों का जो उसका स्टोर है उसके ऊपर ट्रैफिक लानी, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो उसमें आप, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये स्टेप्स हैं, जो बंदा 2 महीने इसके अंदर लगा जाता है अच्छे से, उनको मेरा पता चल जाता है यार ये बंदा अच्छा है, ठीक है, तो ये ना साथ चलने वाला है, हमने इसकी नीयत को देख लिया है, ये सिर्फ पैसे बटोरने के लिए नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ है, ठीक है, तो फिर उनको मैं आगे लेके चला जाता हूँ। बेसिकली ये जो 2 महीने होते हैं आप लोगों की, ये टेस्टर होता है, जो बंदा इस टेस्टर के अंदर गुजर जाता है वो बेसिकली पता चल जाता है कि वो कच्चा घड़ा है कि पक्का घड़ा है, वो उसके अंदर फ्रीलांसिंग वाला एटीट्यूड है या नहीं है। जो 2 महीने दिल के साथ लगा लेता है, डिजाइनिंग अच्छे से जो है ना सीख जाता है, तो उसको वो पता चल जाता है कि इसके अंदर एटीट्यूड है, इसके अंदर सब्र है। जिस बंदे के अंदर नहीं है सब्र, वो इसको छोड़ जाता है, 2 महीने में क्या हो जाएगा, ठीक है, उसने 2,000 रुपये फीस दी थी ना, तो दो एक सूट भी नहीं आता, एक टीचर उसके ऊपर जो है ना वो 2 महीने खर्च करता है उसको डिसिप्लिन लाने के लिए, उसके अंदर उसका यकीन पुख्ता करने के लिए, उसको सही डायरेक्शन के ऊपर लेके जाने के लिए। जो बंदा चल जाता है उसको बता देते हैं भाई ऑनलाइन पैसे बनाने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए आपको, मेहनत। अब इसके मजे हैं इसके अंदर कि घर बैठे पैसे बनाने, तो जाहिर सी बात है आपको अगर उसके अंदर 2, 4, 6 महीने लगा भी देंगे तो कोई बात नहीं है यार, ठीक है। अगर सुबह जाएं आप एक काम पे, सुबह निकलते हैं शाम में वापस आते हैं, तो उससे जान छुड़वाने के लिए घर बैठे काम कर रहे, तो 6 महीने 4 महीने लगा दिए तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी जिंदगी के लिए लगाए, अपनी आसानी के लिए लगाए, ठीक है। हम स्कूल भी तो जाते रहे 10 10 12 12 साल, मास्टर्स वाले लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने 16 की हुई है यार, उनको जॉब नहीं मिली, अगर 16 साल उधर लगाए हैं तो 6 महीने इधर भी लगा देंगे, कोई इशू नहीं है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए लगाए, ठीक है। सो आपको मैं इंशाल्लाह मालिक के करम से मैं इसलिए कॉन्फिडेंटल कह रहा हूँ कि हमने ऐसे किया है, हमने खुद को ऐसे डाइवर्ट किया है, बहुत से स्टूडेंट के ऊपर एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। सो इसलिए हमने स्टेप बना दिए थे, जब हमने देखा कि सिर्फ कैनवा की मदद से फाइवर से ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हमने उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा ली, फाइवर पे चले जाएं, सोशल मीडिया की गिग बना लें, आपकी आपको ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि एक स्किल है, इसकी इंपॉर्टेंस है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक है। लेकिन वो कैनवा के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता वहां पे। सो कैनवा के थ्रू, कैनवा सिखाना होता तो मैं आपको 10 दिन में सिखा सकता हूँ, लेकिन रोला उस एटीट्यूड का भी है ना, यकीन का भी है ना, सब्र का भी है ना, माइंड सेट का भी है ना, वो जो आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम है, जो आप लोगों के बिलीफ सिस्टम खराब हुए हुए हैं, वो बिलीफ सिस्टम भी तो ठीक करने थे ना। तो ये एक कड़वी गोली, सब्र वाली कड़वी गोली, नशुकरी वाली कड़वी गोली,
यकीन वाली कड़वी गोली के ऊपर ये जो चॉकलेट लगा के आप लोगों को दवाई खिलाई है, ये जब अंदर जाके असर करती है तो वो मर्ज खत्म होना शुरू हो, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। तो जब आप इसके अंदर से गुजर गए हैं तो मैं कहूंगा चलो पुत्र अब आ जाओ मार्केटिंग की तरफ। मार्केटिंग आप खत्म करेंगे तो आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा, आपको कोई ऐसा कोई चाचू मिल जाएगा जिसकी मार्केट में बाजार में दुकान है, उसको कहें आ चाचू मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस को मार्केट करता हूँ। आपका कोई दोस्त बर्गर वाला है, उसको कहे आ पुत्र तेरी दुकान बनाना हुआ मैं फेसबुक पेज देते हैं फेसबुक देते हैं उन्हें मार्केट करता हूँ, आपका क्लाइंट से आ रहा है। ठीक है, मेरे 12 क्लाइंट ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं पैसे भी लेता हूँ और उनके एड भी रन करता हूँ, ठीक है, और वो मेरे दोस्त भी हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपको अपने ही शहर से इतना काम मिल जाता है कि आपको बाहर दुनिया में देखने की कहीं भी जरूरत, आप अपने मियाज के जो है ना कारोबार को बढ़ाइए, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किधर है, हमने आप दराज पे बैठे हुए हैं तो आप मार्केटिंग से उसको अपनी तरफ ले आएंगे। तो ये जैसे आप मार्केटिंग के अंदर जाएंगे तो सिनेरियो टोटल चेंज हो जाएगा। तो ये एक रोड मैप था, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो समझ आया होगा। तो टाइम हमारा खत्म हो गया, जो असाइनमेंट दीजिए उस पर फोकस कीजिएगा और नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। फीसिस बहुत ज्यादा नहीं होती, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो जजाकल्ला एंड फी अमानिल्ला, अल्लाह हाफिज। जो चीजें मैंने आप लोगों को कही थी सो थैंक यू सो वेरी मच, फी अमानिल्ला।